नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू इजरायल में ही बुरी तरह घिर चुके हैं। जब इजरायल में करीब 4 लाख के रिजर्व फोर्स को एक्टिव किया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद है। लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू का बेटा इस वक्त हमास से लड़ने के लिए मौजूद क्यों नहीं है। इजरायल में चल रहे इसी टकराव का फायदा हमास और हिजबुल्ला ने उठाने का फैसला भी किया। लेबनान में एक ऐसी मीटिंग हुई, एक ऐसी बैठक हुई जिसके बाद इजरायल में एक बड़ी मिसाइल तैनात की जा रही है। जब गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, इमारतें ढाई जा रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान रोज जा रही है, जब इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल फायर की जा रही है, इजरायल के खुफिया अड्डे तबाह किए जा रहे हैं, जब अमेरिका से लेकर रूस और ईरान से लेकर तुर्की तक इजराइल पर बहुत बड़े हमले की बात चल रही है, जब पश्चिम एशिया की राजधानियों में इजराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्ध का पूरा माहौल बन चुका है, तब इस मीटिंग ने नेतन्याहू को खौफ से भर दिया है। ये 3 लोग हैं, गाजा की हुकूमत चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख साले अरूरी और साथ में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नकाले, और इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जाकर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। ये तस्वीर जारी होने के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है। गाजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया है, और इसकी वजह से दो ताकत सबसे ज्यादा फिक्र में डूबी हुई हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार कर रहा है। इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है। गाजा में हो रही बमबारी के बाद हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही इजराइल की फौज गाजा की जमीन पर कदम रखेगी, वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा खतरा है जिसे लेकर नेतन्याहू और बाइडेन को डरना चाहिए? इन तीनों के पीछे कौन है? तो जवाब है कि इन तीनों फोर्स के पीछे ईरान है, जो इनको फंडिंग भी करता है, इनको हथियार भी देता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है, और अब इसी ताकत के बल पर वो अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा रहे हैं। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला, इन तीनों ने अपने नए वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। हमास ने ड्रोन अटैक का वीडियो दिखाया है जिससे तेल अवीव और इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमले किए जा सकते हैं, तो हिजबुल्ला ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला ने एक साथ इजराइल पर हमला किया, तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और तब अमेरिका की मदद लिए बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएं। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1 लाख से ज्यादा है।
इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। इसराइल ने अपनी सेना का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कर लिया है, लेकिन ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिजर्व फोर्स की पूरी ट्रेनिंग अभी बाकी है। इसके अलावा इसराइल ये भी चाहता है कि पूरी तरह से हथियारों का स्टॉक तैयार कर लिया जाए ताकि ग्राउंड इन्वेजन के बीच में गोले बारूद की कमी न पड़े। लेकिन हमास और हिजबुल्ला के गुरिल्ला युद्ध में मुकाबला करने में फौज की तादाद से ज्यादा लड़ने का तरीका मायने रखेगा। गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होगी, ये हमास का इलाका है। तो हिजबुल्ला को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध लड़ने का अनुभव है। इसराइल के सामने संकट बड़ा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है, जिसके 2 समुद्री बेड़े इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात हैं, और वहां से इसराइल को लगातार एयर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्ला के ठिकाने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इसराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इसराइल ने उनका इस्तीफा मांग लिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कब्जे का सामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगातार कब्जा देखा है, हिंसा देखी है, आर्थिक बर्बादी देखी है, अपने घरों को ढहाए जाते देखा है। इस विवाद के राजनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिलिस्तीन के लोगों की शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देना भी सही नहीं। थिंक दैट द सेक्रेटरी जनरल मस्ट रिजाइन बिकॉज़ फ्रॉम नाउ ऑन एवरी डे दैट ही इज हियर इन दिस बिल्डिंग अनलेस ही अपोलोजाइजेस इमीडिएटली टुडे वी कॉल्ड हिम टू अपोलोजाइज देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिल्डिंग वाज प्रिवेंट was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इजराइल और हमास की टक्कर में इस वक्त दोनों तरफ के लोग हिंसा झेल रहे हैं। किसका रॉकेट और किसका बम किसे टारगेट बना रहा है, इसकी फिक्र ना हमास को है और ना ही इसराइल की सेना को। सात अक्टूबर को हमास के हमलों में इसराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत के बाद इसराइल की लगातार चल रही बमबारी में 25 अक्टूबर तक 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि घायलों की तादाद 18,000 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में उन लोगों की लाशें शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। यहाँ इसराइल की बमबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इनमें से एक को यहाँ जिंदा निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चल रहा है। यहाँ बिजली नहीं है, टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। यहाँ फंसे एक शख्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो हौसला न खोए। وانت 100% طلع هالقد كله طلع يلا عايشين مرته طلعناها وامونا طلعناها وهلا طلعناها وامونا طلعناها وشرف امي في الشله انتظر. इस व्यक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है। यहाँ ना कोई खास औजार है, ना कोई बड़ी मशीन, लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जारी है। पूरी दुनिया में इसराइल से कहा जा रहा है कि वो बमबारी रोक दे, लेकिन इसराइल ने तय कर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता उसकी बमबारी जारी रहेगी। लेकिन दक्षिण इसराइल में युद्ध का खौफ देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहां की सड़कें खाली हैं, लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ वीरान पड़ा है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्ध का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसराइल ने गाजा को जमीनी हमले की वार्निंग तो पहले ही दे दी है, इसके लिए इसराइल की सेना ने तैयारियां भी लगभग पूरी ही कर ली। फिर भी इसराइल ने अब तक जमीनी हमला शुरू नहीं किया है और इसमें लगातार देरी भी कर रहा है।
सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपने ऑपरेशन गिरगिट को अंजाम देने के लिए बस एक सही वक्त की तलाश में है। क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल के इस ऑपरेशन से हमास सुरंगों में ही जलकर कोयला बन जाएगा। इसराइल के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं? लाखों की तादाद में इसराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इसराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इसराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इसराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? कहा जा रहा है कि ये जमीनी हमला नहीं आसान, गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इसराइल की सेना के पांव रोक रखे हैं? दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इसराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमास ने इसराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजरायल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इसराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है। बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमास से जुड़े जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे कबूलनामे सामने आ रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। हमास का एक नोट सामने आया है जिसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ से लिखे हमास के इस नोट में लिखा है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करे, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से कहा है कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में मिटाना ही होगा। नोट में कहा गया है कि उसे अपने दुश्मन का सिर कलम करना होगा। यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लीवर शरीर से चीर कर बाहर निकालना होगा।
सिर्फ हमास का लिखा ये हैंड नोट ही नहीं, इसराइल में कत्लेआम मचाने वाले एक आतंकी का अपने पिता के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में हमास का आतंकी अपने पिता को नरसंहार की कहानी सुना रहा है। افتح الواتس تبع اقول له وام شوف كيف القتله شوف كيف قتلت بيدي يا ابن قتل يهود هاي دخلوا في سيدي يا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب كلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها الله اكبر الله اكبر لله الحمد الله اكبر لله قتلت يا ابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يا ابا افتح افتح بدي اسمع عليك واتس قول له وام روح ربنا معك بالسلامه يا ابا عجبه بسيم يا ابا يا ابا والله عشرة كتلت عشرة عشرة بيدي يا ابا يا ابا على ايدي اعطينا امي اعطينا امي طب انا صرت تكاري انا اول شكرة بتاعت صوت الله عز وجل انا اقول صوي ارفع راسك يا ابا فوق ارفع راسك يا ابا انت في نص تكاري جوا في نص تكاري جوا انت جوا جوا على المدينة في النص في النص تكاري جوا شفت على الواتس شوف كيف الخطة قتلكم على الفون شفت على الواتس تبعي यही वजह है कि बंधकों की रिहाई इसराइल की टास्क लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता फिर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। लेकिन युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो गाजा की गली गली में युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी है। अगर इसराइल की सेना गाजा में घुसी तो उनका सामना हमास के खूंखार आतंकियों से होगा। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए हमास का सबसे बड़ा मजबूत किला है क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा की इन सुरंगों में दो मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हैं और जैसे ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर टूट पड़ेंगे। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? 7 अक्टूबर से अब तक हमास लगातार इसराइल के हमलों को झेल रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब हमास की सुरंगों में हिजबुल्ला पहुंच चुका है जो इसराइल पर सीधा सीधा हमला कर रहा है। यही वजह है कि अब इसराइल ने गाजा पट्टी में सीक्रेट तरीके से साइरेट मटकल की स्पेशल फोर्स को उतार दिया है। इस फोर्स ने गाजा पट्टी में हमास और हिजबुल्ला पर भयानक खौफनाक हमले भी शुरू कर दिए हैं। फंस गया इसराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्ला। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल हमास के लड़ाकों को जमीन पर रौंद नहीं पाया है। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल की IDF लगातार गाजा पट्टी वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल को समझ नहीं आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों में हिजबुल्ला के लड़ाके कैसे पहुंच गए और अब हिजबुल्ला के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के खिलाफ सुरंग वाला गुरेला वॉर कैसे करने लगे हैं। हम आपको आज इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट का वो खुलासा बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आखिरी वक्त में गाजा में जमीनी हमलों को मंजूरी देने से मना कर दिया है। इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे।
सुरंग में घुसे हमास किलर 269 साइरेट मटका। आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इसराइल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इसराइल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इसराइल को मिटा देगा। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इसराइल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल की IDF को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इसराइल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है, जिन्हें 269 साइरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इसराइल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इसराइल की 269 साइरेट मटकल ही हमास के कमांडर और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। फंस गया इसराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्ला। गाजा पट्टी की जमीन पर लाशों का अंबार लग रहा है। हमास के 12 से 15 कमांडरों इजरायली सेना ने मार दिया है, लेकिन अब पता चला है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके मौजूद जो इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से अब तक कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्ला ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग के बदौलत हिजबुल्ला के 60 लड़ाके इजरायल के किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास हिजबुल्ला और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 246,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा इस्लाम और जिहाद के नाम पर इसराइलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरअल्लाह यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को मिडल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। كما تمكن عدد من المجاهدين من الانسحاب بسلام من قاعدة أوريم التي تضم وحدة الاستخبارات 8200 بعد انتهاء مهمتهم فيها. हमास के लड़ाके तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगें इजरायली सैनिकों की कब्र साबित होंगी। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में इजराइल का सर्वनाश कर देंगे। From the first moment, according to the declaration of the Hamas brigade spokesman Abu Ubaida, he said clearly that we are dealing with the hostages according to our ethics and morals. And before that, Muhammad al-Dayf, the head of the Qassam brigade, he declared from the first moment that we have to avoid the elders, the sick men, the women, the children, because our operation is directed to the military purposes. So I think we have communication with some mediators, Qatari and Egyptians and others, and we. 20 साल तक गाजा को रौंदेगा इजराइल। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इजरायली सेना ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि हमास और हिजबुल्ला को संभलने तक का मौका नहीं मिला है।
इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि इजरायली सेना अगले 10 से 20 सालों तक 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में रखेगी। अगले 20 साल तक गाजा में हमास की आने वाली नस्ल तक को इसराइल की आईडीएफ पूरी तरह से सफाया कर देगी। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी। इसमें हमास के 3 डिप्टी कमांडरों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक और लड़ाके मारे गए हैं। जरा देखिए इसराइल की आईडीएफ क्या दावा कर रही है। गाजा में 24 घंटे में 704 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसराइल ने मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए, एक सुरंग भी नष्ट कर दी जिसके जरिए आतंकी समुद्र के रास्ते इसराइल में घुसपैठ करते थे। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में कई हमास कमांडर भी मारे गए हैं। इसराइल के मुताबिक हमले में हमास के नुसीरत शाती और अल फुरकन बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी इसराइल ने हिजबुल्ला पर भीषण हमले किए हैं। अब तक हिजबुल्ला के 45 लड़ाके इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे यह बंकर अस्पताल अभी पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो हिजबुल्ला के साथ, झड़पें चल रही हो, कुछ रॉकेट और मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हो, लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए, बड़े युद्ध की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल, जिसे गैलीली मेडिकल सेंटर के तौर पर जाना जाता है, वो तैयार है युद्ध के लिए। अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है, बिना किसी रॉकेट के डर के, बिना किसी मिसाइल के डर के, बिना किसी बॉम्ब के डर के, न यहाँ धुआं घुसेगा। और अगर रासायनिक हथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पताल ने कर रखी है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान में मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इसराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी।